नमस्कार। हमारी इस मीटिंग में देश भर से महिलाएं आई है, कई कस्बों से, राज्यों से, जिलों से, तहसील से आई है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं पॉलिटिक्स, कई सारी महिलाएं हैं भी ऑलरेडी, तो व्हाई अस? तो उस रेज का रियलाइजेशन कि हम पिछड़े हैं, हम सेकेंडरी हैं, हमारे पास सच में कुछ नहीं है, हमको धुतकारा गया है, हमको फेंका गया है, मारा गया है, काटा गया है, या कुछ भी नहीं किया गया, तो कम से कम चुप रहने को हमेशा कहा। और ये काटने का हथियार कौन सा है? पेट्रियार्की, नफरत, हिंसा। इसमें शर्म का क्या रोल है? शर्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेट्रियार्की, जहाँ पर हमें ट्रेनिंग दी गई है। हाउ डज इट वर्क? ये कैसे काम करता है? अगर किसी को ताकत देनी है तो किसी से ताकत छीननी पड़ेगी, और ताकत छीनने के लिए आपको कुछ सिखाना पड़ेगा। तो शर्म वो एक एलिमेंट है जो महिलाओं को, औरतों को सिखाया गया है इस बात के लिए कि तुम्हें ताकत क्यों प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारा गहना तो शर्म है। और उस शर्म की वजह से आते हुए भी, जानते हुए भी, समझते हुए भी हमें लगता है ये हम कर नहीं सकते। मान लीजिए आप राजनीति में सफल हो गई और आप जो आपको राजनीति में चाहिए था हो गया, आप पावर स्ट्रक्चर में आ गई, शर्म गायब हो जाएगी? नहीं, शर्म गायब हो जाएगी तो ट्रैप तो शर्म है कि जब हम अपने आप को मान लेंगे कि हम एकदम बराबर हैं, तब जब मैं मगर समाज तो नहीं मानेगा ना। समाज नहीं मानेगा, धीरे धीरे समाज मानता है। धीरे धीरे उनके बीच में जाना, उठना, बैठना, उनसे बात करना, चीत करना, उनके दुख सुनने शामिल होना, उनको एक बहुत बड़ा संगठन बनाना, उस संगठन का नाम हमने रखा महिला शक्ति संगठन। आज धीरे धीरे भाई भी उसमें आ रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं एक काम हो रहा है। आज पॉलिटिक्स में मेन लड़ाई किस बात की? संविधान को बचाने की। नहीं तो संविधान को बचाने के लिए आरएसएस संविधान पर आक्रमण कर रही है और कांग्रेस संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है। इफ वी आर प्रोटेक्टिंग वन बुक, व्हिच बुक आर दे प्रोटेक्टिंग? मनुस्मृति। सो दे आर प्रोटेक्टिंग मनुस्मृति, वी आर प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? बट हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन को मार रहे हो। डायरेक्टली तो नहीं मार रही, मोदी ने ये तो नहीं कहा कि भैया मैं कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दूंगा। तो ये इनकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे कर रहे हैं? द कैप्चरिंग ऑल द इमिग्रेंट्स। ओके, वेरी गुड। ये इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस कैप्चर करने से क्या होगा? 1947 में गांधी जी ने और कांग्रेस ने क्या कहा, रिप्रेजेंटेशन जो होता है और पावर जो है वो एक साथ चलेंगे, ठीक है? मतलब अगर आप एमएलए बने, रिप्रेजेंटेटिव चुने गए, तो आपको पावर दी जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है और ये कांग्रेस ने हमेशा किया है। अब बीजेपी ने नया कॉन्सेप्ट निकाला है। ये पहले सिस्टम था, रिप्रेजेंटेशन और पावर एक साथ, अब इन्होंने ये कर दिया, पावर इस साइड कर दी, रिप्रेजेंटेशन इस साइड कर दी। ये कह रहे हैं कि भैया देखो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के हो, तुम लोकसभा विधानसभा में जितना आना चाहते हो आ जाओ, हम बैठा देंगे तुम्हें, मगर विधानसभा में लोकसभा में पार नहीं होगी, पावर कम इधर ले जाएंगे। तो 90% हिंदुस्तान क्या सोच रहा है, बड़ा खुश है कि भैया देखो हमें लोकसभा में टिकट दे दी, हमें विधानसभा में टिकट दे दी, हमें पंचायतों में टिकट दे दी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कर दिया, उसमें कुछ है ही नहीं, हो खोखला है वो। पार्लियामेंट से उन्होंने पूरी पावर निकाल दी, कहाँ डाल दी पावर, उन्होंने पार्लियामेंट से निकाल के इंस्टीट्यूशंस में डाल दी, ब्यूरोक्रेसी में डाल दी, अदानी अंबानी के हाथ डाल दी, सेबी में डाल दी, हाँ, तो और ये सेपरेट कर दिया। अब 90% इंडिया इसके लिए लड़ रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा कि भैया यहाँ कुछ है ही नहीं। लोकसभा में जो MPs हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, बीजेपी के MPs से, दलित, OBC, आदिवासी MPs से, मैं उनसे कहता हूँ भैया आप आ गए मगर आपको कुछ मिला? कहते राहुल जी यहाँ पे तो हमारी बात नहीं सुनते, बैठा रखा है। कास्ट सेंसस का क्या लॉजिक है? अब कास्ट सेंसस से हम क्या करेंगे, हम पूरे देश को दिखा देंगे भैया इसमें कोई पार है ही नहीं, पार यहाँ है, और फिर 90% को पता लगेगा कि यार ये तो हमारा बेवकूफ बना दिया, इसमें तो पार है ही नहीं, पार उधर है, चलो उधर चलो। आपने मुझे पहले कहा कि देखिए हम पावर में पार्टिसिपेट करना चाहते, और आपने मुझे कहा कि देखिए हम रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पावर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि जितनी रिप्रेजेंटेशन लेनी है ले लो, कुछ नहीं मिलेगा। मैं मतलब लोकसभा में MP बैठा हूं, मतलब जब वो माइक ऑफ करना चाहते ऑफ कर देते, राइट? ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, 1947 के बाद ये पहली बार हुआ है। 90% को हटा दिया, ब्यूरोक्रेसी में तो आपको हटा दिया, कॉर्पोरेट इंडिया में कोई नहीं है, जुडिशरी में कोई नहीं है, पावर सिस्टम में 9% 10% लोग चला रहे हैं, और 90% को इन्होंने कहा भैया तुम जाके रिप्रेजेंटेशन करो, और उसमें कुछ है ही नहीं। पावर तो फिर पावर मिलेगा कैसे? कांग्रेस पार्टी का क्या लक्ष्य है? 50% रिजर्वेशन, जाति जनगणना, पब्लिक सेक्टर। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम देश को बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये रिप्रेजेंटेशन और ये जो पावर का स्ट्रक्चर है इन्होंने अलग कर दिया, अगले 10 साल 15 साल का काम ये है,
फिर से पावर को विधानसभा में लोकसभा में डालना है। तो इसमें आपका क्या रोल है? आपका रोल है कि क्लैरिटी से आप बोलें कि लड़ाई मनुस्मृति और संविधान के बीच में है, लड़ाई पावर और रिप्रेजेंटेशन को जोड़ने की है। थैंक यू, गुड, आई एम हैप्पी।